हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी वर्ल्ड। और आज ये बीबीआई क्वेश्चन के टेस्ट सीरीज में ये अगली वीडियो है। तो आइए आज के वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि बिहार स्टेट साइकोलॉजी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, तंत्रिका तंत्र की सबसे मूल एवं छोटी इकाई है क्या होती है? चार ऑप्शन है यहाँ पे, कोष शरीर, सेल बॉडी, डेंड्राइट, न्यूरॉन या फिर एक्सॉन। तो यहाँ इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि न्यूरॉन। न्यूरॉन जो है वो नर्वस सिस्टम की सबसे छोटी इकाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिस न्यूरॉन के द्वारा तंत्रिका आवेग को ग्राहक से CNS तक पहुँचाया जाता है उसे कहा जाता है। तो यहाँ पर बेसिकली मैंने टीचिंग वीडियो में भी आपको बताया हुआ है कि न्यूरॉन के तीन प्रकार होते हैं, संवेदी न्यूरॉन, पेशीय न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि नर्व इम्पल्स को CNS तक पहुँचाया जाता है रिसेप्टर के द्वारा। रिसेप्टर्स कितने हैं हमारे? 5 रिसेप्टर्स हैं, उनके द्वारा CNS तक यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुँचाया जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो ये सेंसरी न्यूरॉन होता है। जैसे ही हमारे रिसेप्टर्स स्टिमुलेट होते हैं तो नर्व इम्पल्स जो है वो CNS तक पहुँचाया जाता है। इसके बाद में प्रोसेस होता है, इसके बाद में ये ब्रेन जो है वो बॉडी को ऑर्डर करता है कि हमें क्या रिएक्ट करना है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CNS में सिर्फ पाया जाता है, यहाँ चार ऑप्शन है आपके, किस तरह के न्यूरॉन्स पाए जाते हैं? यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि CNS में क्या होता है, संवेदी न्यूरॉन्स होते हैं, पेशीय न्यूरॉन्स होते हैं, साशर्य न्यूरॉन्स होते हैं या फिर ग्लिया सेल्स होते हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है एसोसिएटिव न्यूरॉन्स होते हैं, यानी कि साशर्य न्यूरॉन्स होते हैं। साशर्य न्यूरॉन्स क्या होता है? जो कि संवेदी न्यूरॉन और पेशीय न्यूरॉन के बीच में एक एसोसिएशन बनाने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिस न्यूरॉन के द्वारा सूचनाएं मस्तिष्क तथा स्पाइनल कॉर्ड से प्रभावक तक पहुंचती हैं। प्रभावक का मतलब है यानी कि ब्रेन मसल्स तक, यानी कि ब्रेन तक CNS तक रिसेप्टर्स ने सेंसरी नर्व्स पहुंचाए और इसके बाद में प्रोसेस हुआ, अब यहाँ पे इफेक्टर्स तक जो सूचना है वो पहुंचाई जाती है। तो किसके द्वारा पहुँचाई जाती है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मोटर न्यूरॉन जो होता है, पेशीय न्यूरॉन्स जो होते हैं, इसका काम ये होता है CNS से सूचना को पहुंचाने का इफेक्टर्स तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि न्यूरॉन के ये तीन प्रकार होते हैं, इसको ध्यान में आपको रखना है। पेशीय न्यूरॉन का क्या काम होता है? CNS से इफेक्टर्स तक ये सूचना को पहुँचाता है, नर्व इंपल्स को पहुँचाता है। संवेदी न्यूरॉन का क्या कार्य होता है? ये रिसेप्टर्स से CNS तक नर्व इंपल्सेस को पहुँचाता है। और एसोसिएशन न्यूरॉन क्या करता है? दोनों के बीच में एक एसोसिएशन बनाए रखने का, एक सामंजस्य बनाए रखने का कार्य करता है। तो इस तरह आपके वन लाइनर्स यहाँ पे तैयार होते चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेंड्राइट एक अंग होता है, एक भाग होता है, किस चीज़ का भाग होता है? चार ऑप्शन है यहाँ पे, मस्तिष्क का, सुषुम्ना यानी कि स्पाइनल कॉर्ड का, न्यूरॉन का या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो डेंड्राइट जो है वो न्यूरॉन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। तो डेंड्राइट का कार्य क्या होता है? दूसरे न्यूरॉन से नर्व इंपल्स को रिसीव करना। डेंड्राइट के द्वारा ही नर्व इंपल्स को दूसरे न्यूरॉन से रिसीव किया जाता है और उसको केंद्रक में भेजा जाता है, इसके बाद फर्दर आगे का प्रोसेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, न्यूरॉन के उस भाग को जिसके द्वारा सूचनाएं दूसरे न्यूरॉन से प्राप्त की जाती हैं क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे चार ऑप्शन है, शाखिका यानी कि डेंड्राइट्स, एक्सॉन, कोष शरीर या फिर ग्लिया सेल्स। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि न्यूरॉन के उस भाग को जिसके द्वारा सूचनाएं दूसरे न्यूरॉन से प्राप्त की जाती हैं, यानी कि अभी हमने बात करी कि डेंड्राइट के द्वारा जो है इन्फॉर्मेशन को रिसीव किया जाता है, दूसरे न्यूरॉन से हम रिसीव करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है ये इसका राइट आंसर है। तो ये पूरी इस टॉपिक की वीडियो मैंने करवाया हुआ है, प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख लीजिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिससे न्यूरॉन को पोषण तत्व प्राप्त होता है तथा जो न्यूरॉन को स्वस्थ रखता है उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? चार ऑप्शन है यहाँ पे, न्यूरोट्रांसमीटर्स, कोष शरीर, माइलिन शीथ या फिर ग्लिया सेल। तो यहाँ इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ग्लिया सेल्स। ग्लिया सेल्स क्या होता है? न्यूरॉन्स को एक नमी प्रदान करता है, एक पोषण प्रदान करता है। इवन ग्लिया सेल्स जो होता है 90% इसमें वाटर का कंपाउंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्सॉन पर जो माइलिन शीथ होती है उसका उद्देश्य क्या होता है? चार ऑप्शन है यहाँ पे, तंत्रिका आवेग को धीमा करना होता है, तंत्रिका आवेग की गति को बढ़ाना होता है, न्यूरोट्रांसमीटर से निकलने में मदद करना होता है या फिर इसमें से कुछ भी नहीं। तो एक्सॉन पे माइलिन शीथ होता है। माइलिन शीथ क्या होता है? तो मैंने आपको बताया था कि ये एक्सॉन है, इसके ऊपर एक लेयरिंग की हुई होती है और ये
यही माइलिन शीथ होती है जो कि ग्लिया सेल से बनती है। ये क्या करती है, एक्सॉन को नमी प्रदान करती है जिससे कि जो नर्व इम्पल्स आ रहा है, तंत्रिका आवेग आ रहा है, उसको प्रॉपर एक स्मूथनेस मिलती है, गति मिलती है फ्लो करने के लिए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं, एक न्यूरॉन की शाखिका तथा दूसरे न्यूरॉन के एक्सॉन छोर से मिलने वाले स्थान को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, साइनेप्स, माइलिन शीथ, न्यूरोट्रांसमीटर्स या फिर इसमें से कोई नहीं। तो इस स्थान को कहा जाता है साइनेप्स यानी कि संधि स्थल। यहाँ बेसिकली क्या होता है कि एक न्यूरॉन खत्म होता है और दूसरा न्यूरॉन स्टार्ट होता है, यानी कि एक न्यूरॉन का एक्सॉन टर्मिनल्स यहाँ पे होता है और दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइट्स यहाँ से होता है। तो यहाँ पे क्या है, दोनों के बीच में एक जरा सा गैप होता है लेकिन इसको साइनेप्स कहा जाता है, संधि स्थल कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साइनेप्स पर न्यूरॉन, एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से क्या होता है। अभी हमने बात करी, चार ऑप्शन है, उसको भी हम देख लेते हैं। पूर्णतः जुड़े हुए होते हैं, अलग होते हैं, अंशतः जुड़े हुए होते हैं, कम से कम एक इंच की दूरी पर होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है ये इसका राइट आंसर है, यानी कि दोनों अलग अलग होते हैं, सटे हुए जुड़े हुए नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कई न्यूरॉन के एक्सॉन एक साथ मिलकर निर्माण करते हैं, किस चीज़ का निर्माण करते हैं। चार ऑप्शन है यहाँ पे, एक तंत्रिका का, कोश शरीर का, संवेदी न्यूरॉन का या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो यहाँ पे कई सारे न्यूरॉन्स मिलकर के, न्यूरॉन के एक्सॉन मिलकर के एक तंत्रिका का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्य मस्तिष्क तथा पश्च मस्तिष्क को एक साथ मिलाकर क्या कहा जाता है, ब्रेन स्टेम, लिम्बिक सिस्टम, हिप्पोकैम्पस या फिर इसमें से कोई भी नहीं। तो मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन को मिलाकर के ब्रेन स्टेम यानी कि मस्तिष्क स्तंभ इसको नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेतु एक हिस्सा है किस चीज़ का, हिंड ब्रेन का, मिड ब्रेन का, फोर ब्रेन का या फिर इसमें से किसी का भी नहीं। तो यहाँ पे सेतु जो है ये हिंड ब्रेन का एक पार्ट होता है, जिसको कि पोन्स भी कहा जाता है, ये हिंड ब्रेन का एक पार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्रेन चैप्टर को भी मैंने करवाया हुआ है इसके अलग अलग पार्ट्स के बारे में, तो थोड़ी सी मेहनत करिएगा, प्लेलिस्ट में वीडियो कैसे देखना है इस पर भी मैंने आपको वीडियो बनाकर बताया हुआ है शॉर्ट्स में, वहाँ पे जाकर के देख लीजिएगा। और प्लेलिस्ट को देखेंगे तो आपको चीज़ें रिलेटेड आपको काफ़ी सारे वीडियोस मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वह भाग जो स्पाइनल कॉर्ड तथा मस्तिष्क को जोड़ता है क्या कहा जाता है। चार ऑप्शन है यहाँ पे, सेतु यानी कि पोन्स, रेटिकुलर फॉर्मेशन, मेडुला या फिर लघु मस्तिष्क। तो स्पाइनल कॉर्ड नीचे से ये आ रही होती है कमर से गर्दन की तरफ और यहाँ से ब्रेन स्टार्ट होता है, तो स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन को जोड़ने वाला जो पार्ट होता है वो क्या कहा जाता है। तो ये इसको पोन्स कहा जाता है, पोन्स जो होता है उसके द्वारा स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन आपस में जुड़े हुए से होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पेशीय समन्वय, मोटर कोऑर्डिनेशन की मुख्य जिम्मेदारी होती है, किसके द्वारा होता है मोटर कोऑर्डिनेशन। तो मेडुला के द्वारा, सेतु के द्वारा, लघु मस्तिष्क यानी कि सेरेबेलम के द्वारा या फिर इसमें से कोई भी नहीं। तो मोटर कोऑर्डिनेशन, खड़े होने का बैलेंस या फिर बॉडी का एक बैलेंस बनाने का कार्य कौन करता है, सेरेबेलम के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्य मस्तिष्क का टेक्टम मूलतः, यहाँ पे चार ऑप्शन दिया हुआ है, क्या करता है, पेशीय कार्य करता है, संवेदी कार्य करता है, साक्षर संबंधी कार्य करता है या इसमें से कोई भी नहीं। तो यहाँ पे मध्य मस्तिष्क क्या होता है, दो भाग में बटा होता है, टेक्टम और टेगमेंटम। तो टेक्टम बेसिकली क्या करता है, टेक्टम के द्वारा संवेदी कार्य यानी कि सेंसरी फंक्शंस किए जाते हैं। टेक्टम भी फिर आपका ये टेक्टम भी टू पार्ट्स में डिवाइडेड हो जाता है, सुपीरियर कैलिकुली और इन्फीरियर कैलिकुली। सुपीरियर कैलिकुली जो कि देखने से संबंधित क्रियाओं का को कंट्रोल करता है, इन्फीरियर कैलिकुली क्या करता है, सुनने से संबंधित यानी कि ऑडिटरी जो सेंसरी फंक्शंस होते हैं उसको कंट्रोल करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पुरुषों में सर्वाइकल स्पाइनल नर्व की संख्या होती है कितनी होती है। चार ऑप्शन है यहाँ पे, 8, 5, 12 और 1। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि 8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पांचवें क्रैनियल तंत्रिका को कहा जाता है। चार ऑप्शन यहाँ पे क्या कहा जाता है, ओल्फैक्ट्री, ऑप्टिक, ट्रिजीमिनल और ट्रॉचिलियर। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि ट्रिजीमिनल जो है वो थर्ड नंबर पे, फिफ्थ नंबर पे आने वाला एक क्रैनियल नर्व होता है। इसके बाद में यहाँ पे आप सभी व्यूवर्स के लिए क्वेश्चन है कि क्रैनियल नर्व्स की संख्या कितनी होती है, और इसी के साथ एक क्वेश्चन और है, स्पाइनल नर्व की संख्या कितनी होती है। अगर आपको इसका आंसर पता है तो फटाफट से कॉमेंट करके बताइएगा। इसके बाद आगे देखते हैं, मानव शरीर में क्रैनियल तंत्रिका के कितने जोड़े होते हैं।
यहाँ पे चार ऑप्शन है, 12 जोड़े, 14 जोड़े, 10 जोड़े या फिर 16 जोड़े। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 12 जोड़े यानी कि 12 पेयर्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्लोसोफेरिजल एक ऐसा क्रेनियल नर्व है जिसका संबंध, चार ऑप्शन है यहाँ पे, दृष्टि से होता है, घ्राण यानी कि सूंघने से संबंधित होता है, जीभ की गति से होता है या फिर रक्त नलिकाओं से संबंधित होता है। तो बेसिकली ग्लोसोफेरिजल क्या करता है, जीभ को यानी कि टंग को हिलाने डुलाने में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाषा की क्षमता का विकास का संबंध होता है किससे होता है, चार ऑप्शन है यहाँ पे, दायां गोलार्ध यानी कि राइट हेमिस्फेयर, लेफ्ट हेमिस्फेयर, दोनों ही हेमिस्फेयर से या फिर इसमें से कोई भी नहीं। तो हमने बात की थी अपने पिछले वीडियो में भी कि भाषा की क्षमता का विकास हमारे बाएं गोलार्ध से होता है जहाँ पे कि ब्रोका एरिया होता है, तो ध्यान में रखना है चीज़ों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध वैज्ञानिक CV रमन के मस्तिष्क का कौन सा हेमिस्फेयर ज़्यादा विकसित था, दायां गोलार्ध यानी कि राइट हेमिस्फेयर, लेफ्ट हेमिस्फेयर, दोनों ही हेमिस्फेयर या फिर दोनों ही गोलार्ध मंदित थे। यहाँ पे साइंटिस्ट है CV रमन। आप सभी व्यूवर्स के लिए क्वेश्चन है कि वैज्ञानिक CV रमन अपने किस आविष्कार के लिए फेमस है। अगर आपको इसका आंसर पता है तो फटाफट से कमेंट करके बताइएगा। और यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इनका जो बायां गोलार्ध था यानी कि जो लेफ्ट हेमिस्फेयर था वो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड था। इसके बाद आगे हम बात करते हैं या फिर हम हेमिस्फेयर की जब हम बात करें तो हम देखते हैं कि जब हमारा दायां गोलार्ध यानी कि राइट हेमिस्फेयर जब एक्टिवेट होता है तो बॉडी का लेफ्ट पार्ट ज़्यादा एक्टिवेट होता है, ज़्यादा सही तरीके से काम करता है। इसके बाद में बायां गोलार्ध जब ज़्यादा एक्टिवेट होता है बॉडी का दायां पार्ट जो है वो ज़्यादा एक्टिवेट होता है। और इसके बाद में इसकी और भी कुछ अलग अलग विशेषताएँ हैं जिसको हम डिटेल में कभी डिस्कस करेंगे। एंड यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उप अनुकंपी तंत्रिका तंत्र यानी कि पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम के क्रियाशील होने पर शारीरिक ऊर्जा क्या होता है उस टाइम पे, चार ऑप्शन है, संचयन होता है, खर्च होता है, व्यक्ति क्रोधित होता है या फिर व्यक्ति में निद्रा लुप्तता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो यहाँ पे पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में पूछा होता है, तो जब ये एक्टिवेट रहता है तो शारीरिक ऊर्जा जो होती है वो सेव होती है, यानी कि पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम बॉडी को शांत रखने का, काम डाउन रखने का काम करता है, और इसी का जस्ट अपोजिट है। और एक चीज़ और नोट कर लीजिएगा कि पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम को हम लोग ईट ड्रिंक एंड रेस्ट भी कहते हैं, और इसी का जस्ट अपोजिट होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो कि क्या करता है, बॉडी की शारीरिक ऊर्जा को खर्च करता है, और इसको कहा जाता है फाइट और फ्लाइट के नाम से भी जाना जाता है। तो कई बार इस तरह के क्वेश्चंस भी आपसे पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेटिकुलर फॉर्मेशन एक भाग है, किस चीज़ का भाग है, चार ऑप्शन है यहाँ पे, मस्तिष्कीय स्तंभ का, अग्रमस्तिष्क का, स्पाइनल कॉर्ड का या फिर इसमें से किसी का भी नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यानी कि ब्रेन स्टेम का ये पार्ट होता है। ब्रेन स्टेम क्या होता है, ये हिंड ब्रेन और मिड ब्रेन को मिला करके ये बनता है। रेटिकुलर फॉर्मेशन क्या होता है, एक जाल जैसी संरचना होती है जो कि हिंड ब्रेन से स्टार्ट होती है मिड ब्रेन तक और कई बार फोर ब्रेन तक भी, ये भी कुछ स्ट्रक्चर्स तक हमें देखने को मिलती है। इसके बाद में इसके बारे में हम कह सकते हैं कि रेटिकुलर फॉर्मेशन जो है ये हमारे संवेग के लिए और ब्रेन वेव्स के लिए काफ़ी रिस्पॉन्सिबल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संवेग की उत्पत्ति एवं नियंत्रण के ख्याल से आप किसे महत्वपूर्ण मानेंगे। तो देखिए अभी हमने इमोशन की बात करी और इससे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर आ ही गया है। तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिया हुआ है, ब्रेन के अलग अलग पार्ट्स हैं, क्वेश्चन है कि ब्रेन के यहाँ अलग अलग पार्ट्स दिए गए, इसमें से कौन सा पार्ट इमोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। चार ऑप्शन है, थैलमस, रेटिकुलर फॉर्मेशन, हाइपोथैलमस और मेडुला। तो यहाँ पे हम जब संवेग की बात करते हैं तो रेटिकुलर फॉर्मेशन भी हम देखते हैं, हाइपोथैलमस है, इसके बाद मेडुला, इवन ओके यहाँ पे कूट दिया हुआ है, यहाँ पे कूट दिया हुआ है इस क्वेश्चन का, यहाँ पे अ और स, थैलमस और हाइपोथैलमस जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर बताया गया है, लेकिन यहाँ पे रेटिकुलर फॉर्मेशन और हाइपोथैलमस, ब और स जो है ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मस्तिष्क के जिस भाग का संबंध नींद, अवधान, उत्तेजन आदि से होता है उसे कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है, चार ऑप्शन है यहाँ पे, हाइपोथैलमस, थैलमस, रेटिकुलर फॉर्मेशन और मेडुला। तो यहाँ पे रेटिकुलर फॉर्मेशन की हम बात करते हैं तो ये बेसिकली हाइपोथैलमस यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मस्तिष्क का एक विशेष भाग कुछ अंतःस्रावी ग्रंथियाँ
ग्रंथियों के कार्यों को भी नियंत्रित करता है। उस भाग को क्या कहा जाता है? अंतःस्रावी ग्रंथियां यानी कि एंडोक्राइन सिस्टम को भी कंट्रोल करता है। चार ऑप्शन यहाँ पे, हाइपोथैलेमस, थैलेमस, लघुमस, डिस्क यानी कि सेरेबेलम, और इसमें से कोई भी नहीं। तो हाइपोथैलेमस को हम देखते हैं कि थैलेमस के नीचे मटर के दाने जितना ये एक स्ट्रक्चर होता है, लेकिन इसके काम बहुत बड़े बड़े, कहते हैं ना देखने में छोटे लगे लेकिन काम बहुत बड़े बड़े होते हैं इसके। ये बेसिकली भूख को भी कंट्रोल करता है, प्यास को भी कंट्रोल करता है, सेक्सुअल बिहेवियर को भी कंट्रोल करता है, इमोशनल बिहेवियर को भी ये कंट्रोल करता है, इसके साथ में नींद को भी कंट्रोल करता है, साथ ही साथ में पूरे एंडोक्राइन सिस्टम के भी कार्यों को कंट्रोल करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को ये कंट्रोल करता है। तो हाइपोथैलेमस ब्रेन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे जब हम हाइपोथैलेमस की बात कर रहे हैं तो आपके लिए क्वेश्चन है कि संवेग की हाइपोथैलेमिक थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी? अगर आपको पता है तो फटाफट से कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर की ग्रंथियों को रखा गया है किस चीज़ में रखा गया है? यहाँ पे चार ऑप्शन है, प्रभावक, ग्राहक, समायोजक या फिर इसमें से कोई भी नहीं। तो यहाँ पे ह्यूमन ग्लैंड्स की जब हम बात करते हैं तो ह्यूमन ग्लैंड्स का क्या काम होता है? अलग अलग हार्मोन्स को रिलीज़ करना और बॉडी को अकॉर्डिंगली एडजस्ट करवाना। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इसका जो काम होता है एक इफेक्टर के रूप में इसका काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अश्रु ग्रंथि एक तरह का क्या है? टीयर ग्लैंड से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ है। चार ऑप्शन है यहाँ पे। ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, ये एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है, ये एक समायोजन है या फिर इसमें से कोई भी नहीं। तो अश्रु ग्रंथि की हम बात करें तो ये एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे क्यों? क्योंकि ये एक डक्ट ग्लैंड हम कह सकते हैं, यानी कि एक तो यहाँ से जो भी रिलीज़ होता है वो शरीर के बाहर रिलीज़ होता है और उसको रिलीज़ होने के लिए प्रॉपर एक नली बनी हुई है जिसके द्वारा ये आँखों से आंसू जो है वो रिलीज़ होता है। तो ये एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आँख एक तरह का क्या है? चार ऑप्शन है यहाँ पे। बाह्य ग्राहक है, मध्य ग्राहक है, अंतः ग्राहक है या फिर इसमें से कोई भी नहीं। तो आँख क्या है? एक तरह का ये बाह्य ग्राहक है यानी कि एक्स्ट्रो रिसेप्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्यक्ति को अपने अंतरांग में भी कुछ संवेदनाएँ प्राप्त होती हैं, ऐसे अंतरांगों को रखा जाता है। चार ऑप्शन है यहाँ पे, बाह्य ग्राहक में, मध्य ग्राहक में, अंतः ग्राहक में या फिर इसमें से कोई भी नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि अंतः ग्राहक में। तो यहाँ पे हमने कुछ टोटल 28 से 30 क्वेश्चंस को हमने देखा और आप बताइएगा कि आपने इसमें से कितने क्वेश्चंस को आपने सही किया हुआ है। एंड ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।